हाँ जी, सत श्री अकाल सारे नूं। उम्मीद करते हैं कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोंगे ते असी भी इत्थे बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। ते अज आपां बना ली सवेरे सवेरे सब्जी मटर पनीर दी, क्योंकि आदेश ने जाना सी ते मैं सवेरे उठ के जल्दी बनाई सब्जी ते गाढ़ी भी हो गई पई पई ते हुण आपां इहनूं थोड़ी पतली भी करांगे। ते लो जी, आदेश तां चलिया गया ते मैं अपना काम कुम नबेड़ के मैं क्या चल नाले फुलका बनाना नाले थोड़े नाल कोई गलबात शेयर करना। ते तो जी हजे सुता पे ते मैं बनानी हाँ फुलका अपना भी ते उहदी भी पैकिंग कर दी हाँ। ते नाल अज मैं थोड़े नाल एक बहुत वधिया गल जिहड़ी उह शेयर करनी चाहूँगी। मैनू ना एक्चुअली उस गल बारे काफ़ी देर तो सुन रही सी, लोगों के भी काफ़ी चर्चा सी उहदी सोशल मीडिया से भी, पर पूरा ध्यान दे के कदे सुनी नहीं सी। पर गल ऐसा कि कुछ गल है ये कोई मुद्दा हैगा ये है ना। तो हुण मैं बैठे बैठे कल मैं सोचा कि क्यों ना वो बारे मैं स्टडी करा है ना। तो मैं जो पूरा वो मन्यूटली स्टडी किया तो फिर मैं उन्होंने पूरी स्टोरी है जी समझ आई कि ये हसबेंड वाइफ की एक अजीब जी डिफरेंट जी स्टोरी है। ज्योति मौर्या, ज्योति मौर्या बारे तुम सारे ने सुनया होगा। मैं भी ज्योति मौर्या सुनती रही है ना, सोशल मीडिया से भी चलता रहा, न्यूज़ के भी आता रहा, पर ध्यान बहुता नहीं दिता सी कि कौन है ज्योति मौर्या है ना। नाल नाल मैं फुलका भी बनानी हाँ। तो मैं हूँ पता लग्या स्टडी करके कि ज्योति मौर्या एस डी एम है यूपी दे विच, क्लास वन पोस्ट है, एक अफसर की पोस्ट पर काम कर रही है ज्योति मौर्या। हुण उहदी कहानी की है ज्योति मौर्या की कि ज्योति मौर्या ना बनारस के एक पिंड दे विच जम्मी पली, तीन भैन भाई सीगे ते जिहड़े उहदे फादर सी उह करियाने की दुकान करदे सी ते नाल नाल ओहो उस दुकान दे विच एक साइड ते चक्की भी चलाउंदे सी, आटे दी चक्की, ते एक आम जिहा बिल्कुल ही साधारण जिहा परिवार सीगा। ते तिन्ना भैण भरावां दे विचों जिहड़ी ज्योति सीगी ओहो इंटैलीजेंट सी, बहुत पढ़ना चाहुंदी सी, चलो कर करा के किवें ना किवें उहने बी ए कर ली। उस तों बाद ओह बी एड कर रही सीगी ते हुण उहदे विच विच ही घरदिआं ने उहदे लई लड़का देखणा शुरू करता कि हुण इहदी शादी कीती जावे है ना। चलो देखते देखते उन्होंने ना बनारस के जगह है प्रयागराज, जिथे एक लड़का उन्होंने पसंद आ गया जिहड़ा कि सरकारी नौकरी करता सीगा। ते लोक मौर्या वह लड़का उन्होंने पसंद आया तो शादी है जिहड़ी उहदी तय हो गई, रिश्ता हो गया। चलो जी मैरिज होने तो बाद ज्योति नूं लग्या कि शायद उहदा हसबेंड है जिहड़ा उहनूं पढ़ा नहीं सकूगा जां अलाउ नहीं करूगा। तो चलो उन्हें पूछा अपने हसबेंड नूं कि मैनू पढ़न का बहुत शौक है, वह बी एड कर रही सी उस समय, मैनू पढ़न का बहुत शौक है कि मैं अगे पढ़ सकती हाँ। तो उहदा हसबेंड बहुत खुश होया, वह क्लास फोर की नौकरी कर रहा सी, जानी दर्जा चार की नौकरी है ना, जिन्हों आप मतलब कि इंडिया दे विच कोई बहुता वधिया नहीं समझते है ना, तो बहुत निगुणी जी समझा जाता है। पर जिवें बाहरले मुल्कां दे विच तां काम का कोई फर्क ही नहीं है ना, वड्डी छोटी नौकरी का कोई फर्क नहीं है, पर अपने है। तो वह जो लड़का सीगा वह एक मतलब कि पंचायत विभाग के सफाई कर्मचारी से, बहुत ही छोटा जाबदा सी। चलो उसने कहा कि जिमें भी मैं करा जिमें मर्जी करा तो तू अपनी जी स्टडी है वह कंटिन्यू कर। चलो जी उन्हें बी एड कंप्लीट की, बी एड तो बाद उन्हें फिर कहा कि मैं अगे पढ़ना चाहनी हाँ। तो हसबेंड ने मतलब पूरा खुशी खुशी वह साथ दिता। तो मैं नाल कम कर ला थोड़ा जहा, खुशी खुशी उहदा साथ दिता कि कोई गल नहीं तू जिन्ना पढ़ना चाहनी है पढ़ ला। तो उन्हें कहा कि मैं मतलब कि पी सी एस का एग्जाम देना चाहनी हूँ। तो उहदा हसबेंड उहदे नाल सहमत हो गया तो उन्हें उहदा पूरा साथ दिता, उन्हें कोचिंग दिलाई, उन्हें पूरी प्रॉपर कोचिंग दवाई, पूरा पैसा खर्च किया, जिवें भी मर्जी किया, पूरा काम किया घर का, बच्चे पाले है ना। तो जिवें ही वह मतलब कि जो अपना स्टार्ट की उन्हें पी सी एस की ट्रेनिंग लैनी तो उस समय वह प्रैगनेंट भी सी, उस तो बाद वो ट्वेंस हुए बच्चे बेटिया हुई दो, उन्होंने रे हसबेंड ने उन्होंने भी ध्यान रखिया, घर का भी अपनी जॉब भी की, पर अपनी वाइफ का साथ नहीं छड़िया, उन्हें पढ़न के पूरा साथ दिता। चलो जी उन्हें एग्जाम दिता पी सी एस का ज्योति मौर्या ने, तो जो उन्हें एग्जाम दिता तो वह एग्जाम फस्ट अटैम्प्ट 2010 च उन्हां दी मैरिज हुई सी, 2015 के फस्ट अटैम्प्ट ज्योति मौर्या ने पी सी एस का एग्जाम सीगा जिहड़ा वो 16वें रैंक के क्लीयर किया यूपी दे विच।
ਉਹਦਾ ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ ਉਹ 16ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕ। ਪਰ ਜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਸੀ ਉਹ 3ਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਸੀ ਉਹਦਾ 16ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ, ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਮੌਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 2020 ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅਲੋਕ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤੀ ਮੌਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਔਰ ਗਲਤ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਕ ਮੌਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ, ਪਰ ਜੋਤੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤੀ ਮੌਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਛਾਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਜ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲ ਮਾਰਦੀ ਮਾਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਔਫੀਸਰ, ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਔਫੀਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਫੀਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਛੱਡਤਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਔਫੀਸਰ ਬਣਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਔਫੀਸਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਲੋਕ ਮੌਰਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋਤੀ ਮੌਰਿਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤੀ ਮੌਰਿਆ ਇੱਕ ਔਫੀਸਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਕੌਣ ਠੀਕ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਜੋਤੀ ਮੌਰੀਆ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਫੁਲਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਫੁਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਿਓ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਰੈੱਡ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਡੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ
अपने हस्बैंड दा इस तरह नजायज फायदा उठाना चाहिए। इन्हों सवालों के जवाब प्लीज़ मैं जरूर दो। हम मैं फुलका बनाना, ठीक है जी, मिलती हैं फिर। मसाला अपना बन के रेडी हो गया, मसाला भुन के तो आलू दो मैश करके पा दे, मसाला बिल्कुल रेडी है। तो आलू मैं रख ले, देख रही हूँ कि इन्हों मैं ज़्यादा सवेरे सुबह आलू बनाऊंगी, लोगों को इन्हों के कॉन्टैक्ट पा दूंगी। लो जी तड़का हो गया रेडी, तो हूँ आप कट लाने हैं मिर्चा च, फिर इन्हों भरेंगे आप मसाले नाल। आलू विचों बिल्कुल ही ये खोखले आए, बिल्कुल कोई बीज नहीं है, कुछ नहीं है इन्हे विच, ये आलू जमा खाली है। डंडियां पला देने इन्हां दीआं थोड़ियां थोड़ियां, इस तरह करके आप इन्हां सारियां दे विच कट ला लैने आ। लो जी हुण आपां लाउणे आ सारियां मिर्चां नूं कट, ते जिन्नी देर च कट लगदे ने क्योंकि काफ़ी सारियां मिर्चां ने, उन्नी देर च आपां थोड़े जिहड़े कमेंट है वह रीड करते हैं, ते अपने प्यारे प्यारे सबसक्राइबर्स दे नाम है जिहड़े वह लैने आ। लो जी सब तो पहला हैगी है मेरी भैन रणबीर कौर, ते इहने मैनू कमेंट किया कि वेरी नाइस, आई एप्रीशिएट एंड योर वे ऑफ कुकिंग विद द लीस्ट थिंग्स अवेलेबल इन द किचन, लव यू बोथ। इस तरह ही होर कमेंट किए ने इन्होंने, मेरे सारे ब्लॉग देखते हैं, उन्होंने लिखा भी है कि मैं देखती जरूर हैं पर फुल देखती हाँ, एंड तक देखती हाँ, भावें मैं लेट देखती हाँ। थैंक यू रणबीर, थैंक यू सो मच, तू मैनू इन्नी रिस्पैक्ट ते इन्ना प्यार दिनी आ, मैनू तेरे ते माण है बहुत ज़्यादा, तू मेरी छोटी भैन है। गुरसंत मैम मेरे को हिंग है नहीं सी इस करके नहीं पाई, थैंक यू। बलजीत राणी मैडम तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं भी कमेंट किया मेरी ड्रैस नूं लैके, एक्चुअली ये तुहाडा प्यार है कि मैं तुहानूं वधिया लगदी हाँ, वैसे ही इन्ना प्यार देने लई तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद है जी। नैक्सट हैगे ने जी किंग यूट्यूबर की आई डी, तो उन्होंने लिखा मूँह च पानी आ गया, उन्होंने भी मेरे भल्लिया नूं देख के उन्होंने मूँह च पानी आ गया, एक्चुअली मेरे भी आ जाता देख के जिस तरह थोड़े आया। लो जी अगले सबसक्राइबर ने बलविंदर खैरा मैडम, टू डियर रोंदिया नाल कोई रोंदा नहीं, उन्होंने शॉर्ट वीडियो ते कमेंट किया सीगा कि कल्या नूं रोना पैंदा, एक्चुअली मैं तुहाडा दुख समझदी हां बलविंदर मैडम, थैंक यू कमेंट करन लई, तुसीं मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करदे हो, थैंक यू सो मच जी। अजे मैं तुहाडा जिहड़ा नुस्खा तुसीं आदेश दी खांसी तों दस्सिया सी उह वी मैं बना के व्लॉग पाउणा जी, थैंक यू। बलजिंदर जब्बल की आई डी तो भी कमेंट आया, वो मेरे भूआ जी ने, थैंक यू भूआ जी। वीना मल्होत्रा मैम ने कमेंट किया बहुत सोहना, थैंक यू जी। गुरवीर कौर थैंक यू, ये मेरी भरजाई है जी, थैंक यू सो मच, तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद है जी, तुसीं मैनू सारे बहुत सपोर्ट करदे हो, बहुत प्यार दिंदे हो, तुहाडा सारयां दा थैंक्स है जी बहुत ज़्यादा, ये तुहाडा प्यार करके ही है जिहदे करके मैं होर अगे तो अगे ब्लॉग बनाउण दी है जिहड़ी मेरे विच हिम्मत आउंदी है। लो जी नैक्सट हैगे ने एक्सीएन फार्मर की आई डी तो, यह मेरा ब्रदर है, उन्होंने लिखा कि बाद वाली ऑडियो है जी भी किचन ऐड कराया करो, फ्रीकुएंसी सेम रहती है, एक्चुअली पता की है गुरप्रीत वो प्रॉब्लम यह रही है कि चिमनी चल रही होंगी उत्थे, इस करके आवाज़ है जी सुनाई नहीं दिंदी, तां करके मैं ऑडियो है जी बाद ऐड करनी पैंदी है, ते तुहाडे सुझाव जिहड़े ओह सिर मत्थे तो पता लगता है कि तुसीं मेरा ब्लॉग है जिहड़ा पूरे रीझ नाल ते प्यार नाल देखदे हो, मैनूं बहुत चंगा लगता है, जिथे भी मैं कोशिश करदी हाँ मन्नण वाला हुंदा उत्थे मैं सुझाव मानदी हाँ। लो जी शौंकी जट की आई डी तो कमेंट आया, मेरा छोटा ब्रदर है। तो नैक्सट हैगे ने नरेंद्र शर्मा की आई डी, तो उन्होंने लिखा वेरी गुड ब्लॉग, काश इंडिया में होना जरूरी है, तो उन्होंने भी ये ब्लॉग जिहड़ा देखिया, नरेंद्र शर्मा कौन ने मैं वैसे जानती नहीं हैगी, पर थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो नैक्सट अपने जिहड़े सबसक्राइबर हैगे ने जिहड़े अपने ब्लॉग है जिहड़े रेगूलर देखते हैं वो हैगे ने जी हरविंदर चीमा, थैंक यू वीरे, थैंक यू सो मच। बलजीत राणी मैडम उन्होंने भी लिखा कि कानून की उलंघना करने वाले फांसी की सज़ा होनी चाहिए है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जिहड़े तुसीं मेरे क्वेश्चनस के जवाब दिंदे हो ते मेरा ब्लॉग है जिहड़ा वो पूरा देखते हो। लो जी हुण आपां नाम लावांगे अपने नैक्सट जिहड़े सबसक्राइबर ने उन्हां दा, वो हैगे ने बलजीत राणी मैडम, उन्होंने भी क्वेश्चन का जवाब दिता है, तो वीना मल्होत्रा मैडम ने भी मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ की है वैसटर्न आउटलुक दे विच,
थैंक यू बलजीत राणी मैडम एंड वीना मैडम, तुहानू तुहाडा इन्ना प्यार है कि तुहानू मैं हर आउटफिट दे विच वधिया लगदी हां। थैंक यू सो मच। लो जी अपनियां मिर्चां ते कट लग गए ने ते हुण आपां अगे व्लॉग देखदे। थोड़ियां जिहियां दो चार मैं तुहानू भर के दिखा देनी आ। मसाला अपना हुण अगे नालों ठंडा हो गया, बस मिर्च दे कट लग्या होया, आपां खोलणी आ। खोल के मसाला बस इहदे विच भर देना इदां जिदा आप शिमला मिर्च भरते होंगे। लो ठीक है जी, तो इस तरह ही आप बाकी दिया मिर्चा कट लग ला के रखे हुए ने सारिया। मैं वाहवा वाहवा मसाला आप खासा खासा भर देना ये उन्नी ही वधिया बन दिया जिन्ना इन्हों के मसाला होगा। कल्ली तो मिर्च की चंगी लगूगी। लो जी हुण आपां मिर्चां दा अगला प्रोसैस आ जिहड़ा उह शुरू करदे आ। उह तुसीं देखो अगे आपां की करना है। इहदे च लवांगे आपां ऑयल। वैसे तां जे चौड़ा जिहा भांडा होवे ना ते उहदे विच ज़्यादा ठीक आउंदियां नहीं। चलो बस जो भी मेरे कोले है मैं उहदे नाल ही पूरा सारदी आ। मैनूं तां ना मिर्चां दा वैसे रंग ही बड़ा सोहणा लगदा, देख के सोहणियां लगदियां ने। मैनूं इनू मैं कली कली करके इदा रख देनी हाँ। इनू कर देनी गैस में मैं घट। हूँ ये हौली हौली बन गई, उपरों मैं ढक देनी है। ढकन ढुकन लिए साढ़े को बर्तन यह भी है। थोड़ी देर लो जी हम आप देखते हैं। पांच मिनट हो गए अपने पास्ता पलटा देने डीप फ्राई नहीं करना, इन्हों शैलो फ्राई करना। चमच के नाल ही करते हैं, चमच नाल इदा इन्हों का पास्ता पल देना। इस तरह इन्हों पलटी जाना। एक पासा इन्हों का बिल्कुल बन चुके हैं, दूसरे पास तो हजे सख्त है। कली कली है जी पासा इदा आप पलट देना। ठीक है जी, सारी हाले पासे पलटते हैं आप। हूँ इन फिर ढक दें, इदा ही ढक दें। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜੀ ਐਂ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੇਲੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਧੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬਣੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬਣ ਗਈਆਂ।
लो जी मिर्चा तो हूँ बन जाएंगी जिमें पहला आप एक लॉट कढ़ लिया इस तरह ही दूजिया बन जाएंगी। तो तुम वीडियो में लाइक शेयर कर दियो कमेंट करके जरूर दस्यो कि वीडियो थोड़ा किस तरह की लगी। हूँ मिलेंगे आप अगले ब्लॉग के नाल, तद तक लई सारिआं नूं सति श्री अकाल।